नमस्कार, आयबीपी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आपल्या सोबत मीनाक्षी सूर्यवंशी. चला तर पाहूयात आजची विशेष. सिने अभिनेते तथा चंदा प्रोडक्शनचे सर्वे सर्वा सोलापूरचे सुपुत्र जुनेद चंदा यांची आयबीपी न्यूज कार्यालयात सदिच्छा भेट. ज्यांनी आतापर्यंत 15 लघु चित्रपट निर्मिती केली, 8 तासामध्ये 6 लघु चित्रपट बनवण्याचा विक्रम जुनेद चंदा यांच्या नावावर आहे. मॉडेलिंग मध्ये मिस्टर सोलापूर विनर मध्ये 2006, 2007, 2008 सलग 3 वर्ष ज्यांनी हॅट्रिक मिळवली. लवकरच त्यांचा बिग बजेट नीलोफर अब्दुल निर्मित हिंदी सिनेमा तेरे प्यार में हा रिलीज होतोय. असे सुप्रसिद्ध अभिनेते सोलापूरचे सुपुत्र जुनेद चंदा यांच्याशी केलेली बातचीत. तेरे प्यार में या चित्रपटाबद्दल आमच्या प्रेक्षकांना थोडंसं सांगा. तेरे प्यार इस फिल्म से पहले मैंने काफी सारे शॉर्ट फिल्म किए हैं. कम से कम 14 शॉर्ट फिल्म किए हैं और 3 नीडी फिल्म किए हैं. यहाँ से मेरा फिल्म लाइन का मेरा सिलसिला शुरू हुआ है. अभी जो फिल्म है थिएटर मूवी है तेरे प्यार में. काफ़ी ऐसा कोई बड़ा आर्टिस्ट हुई नहीं है. मैं कोई बड़ा एक्टर हुई नहीं. स्ट्रगल आर्टिस्ट हूँ. 14 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ. शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, डीवीडी फिल्म कर रहा हूँ. अब जाके एक मुकाम पे आऊँ कि थिएटर लेवल एक बिग बजट की फिल्म कर रहा हूँ तेरे प्यार में. और काफ़ी अच्छी फिल्म है. बहुत कोशिश कर रहे हैं और शूट कम्प्लीट हो चुकी है हमारी. एडिटिंग चालू है. तेरे प्यार में एक ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि मोहब्बत का जो जुनून है हमने लोगों को दिखाया कि मोहब्बत क्या चीज़ है. आजकल बहुत सारी फिल्म आ रहे हैं कि मोहब्बत प्यार ये वो रिस्पॉक्स ये चीज़. हमने रियलिटी मोहब्बत बताया कि जब मोहब्बत होने के बाद जो दिल से दिल जो अटैच होता है हमने वो चीज़ें इस फिल्म के जरिए हमने बताया. और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, आपके पर्ली से जावेद शेख हमारे फिल्म में एज ए हीरो के दोस्त के दोस्त का रोल किए और लीड रोल में है. अच्छा खासा रोल है. ये बहुत पर्ली के लिए बहुत अभिमान की बात है कि पर्ली का एक लड़का बॉलीवुड में एंट्री हो चुकी है उसकी. तो उसका पहला सॉन्ग तो बहुत हाइलाइट होगा कॉलेज में, लड़कियों के लिए बहुत चले गए. सेकेंड सॉन्ग है हमारा एक बार कह दे तू आई लव यू बाबा आई लव यू बढ़ जाएगी मेरी नजर से तू. हाँ नजर से तू. इस तरह के 5 सॉन्ग जो फॉलो सॉन्ग है जो पब्लिक ऑडियंस जो देखेंगे ना खुश हो जाएगी. हमने बहुत दिल से मेहनत किया है इस फिल्म में. तो कुछ कर और इसलिए मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छा हमने काम किया है. और एक छोटा सा मैसेज इसी वीडियो के आईबीपी न्यूज के जरिए मैं एक और एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि आकाश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने. बेटा आप बहुत से सुनिए कि आकाश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो. आकाश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामा लेना होने पाए मस्जिद के आबरू ये फिक्र मंदिरों के निगेबान को. तुमचा अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल आम्ही सगळी टीम आमची टीम आयबीपी न्यूजची टीम तुमची आभारी आहे. थँक्यू सर. थँक्यू. धन्यवाद.